देव म्यूजिक ने इनका था ना। सारी जगह बादशाह की बुझाया करती थी। अब संसार में रोड़ा मचा रहा था कि मेरे बराबर का कोई बलवान होगा तो मेरी शर्त यह है कि बैंसा को कोई पकड़ लेगा तो या तो मुझे डोला देना पड़ेगा और या बादशाह के साथ में लड़ाई लड़नी। मेरी दो ही शर्त है, इस बैंसा को छोड़ दीजिए। एक मंत्री बैंसा के पीछे पीछे करता है, अनंत स्थान पर डोलता डोलता गांव गांव डानी डानी शहर शहर में भ्रमण करता है और फिर तैयार होकर के राजौर गढ़ाव के अंदर वो भैंसा चला जाता है। आज भी राजौर गढ़ मौजूद है जो नारायणी माता से आगे स्थान है। डूंगर के ऊपर है राजौर गढ़, भगवान शंकर का मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है। कई गोटिया महाराज जाते हैं, स्नान कर करके भी आते हैं, वो स्थान देख करके भी आते हैं, मौजूद है। वो भैंसा डोलता डोलता राजौर गढ़ाव के अंदर जाता है, उस स्थान पर जाता है जहां पर राजू गुजर गोरी माता सोडला और उनके दरबार के अंदर जिस लड़की का जन्म हुआ था, शक्ति का अवतार थी, उस लड़की का नाम था ऐलादी। जैसे पूर्व वक्ता ने बताया, समय पाकर के जवान एज के अंदर हो जाती है और वो भैंसा डोलता डोलता राजौर गढ़ाव के अंदर जाता। ऐसे सुना जाता है कि जिस समय आपकी भावत के साथ में तैयार होकर के ऐलादी पानी लाने के लिए जा रही थी, दो मटकी सिर के ऊपर रखी हुई थी, हाथ में बाल्टी नेजू डोर हाथ में थी, वो भैंसा डोलता डोलता गलियाड़ा से मारे पकड़ करके उस स्थान से गुजरता है। ऐसे विद्वान बताते हैं, गोठिया महाराज बताते हैं, कालस देव के जाते हैं तो एक किताब भी मिलती है लोकल प्रेस की, उस किताब में भी लिखा है कि ऐलादी तैयार होकर के जाती है, जाकर के उस भैंसा की रेल को दबा लेती है, भैंसा खींच करके जोर करता है, लेकिन तिल भर भी बेल आगे नहीं आती है, क्योंकि शक्ति होती है संसार में नाम कमाने वाली होती है, और शक्ति का अवतार थी, भैंसा खड़ा रह जाता है। मंत्री जो पीछे पीछे हो रहा था, बादशाह का भेजा हुआ था, वो देख करके असमंजस में डूब जाता है। श्री भगवान, मर्द की तो बात ही क्या है, मर्द की तो बात ही क्या है, एक लड़की खड़ी होकर के भैंसा को बेल को दबाई है और भैंसों ले देर खड़ो हो, क्योंकि ताकत संसार में बहुत अपार है। जिसके सिर पर दो मटकी हाथ में बाल्टी नेजू डोर हाथ में ले रखी है और उन्होंने भैंसा को एक स्थान पर रोक दिया है, खड़ा होकर के कहना शुरू करता है कि आप कौन है? ऐलादी एक स्थान पर खड़ी हुई थी, लेकिन उसके साथ में जाने वाली सखी सहेली पास में खड़ी हुई थी, उससे पूछना शुरू करता है, सब परिचय देता है कि राजौर गढ़ में रहने वाली ऐलादी इसका नाम है, राजू और गौरी दोनों भाई संसार में इस स्थान पर रहकर के समय बिताते हैं, गायों का दूध घी खाते हैं, समय की फरियाद करते हैं, यहाँ रहकर के आनंद से गुजारा करते हैं। बोलो, बात समझ में नहीं आती है तो बहुत मोटी प्रॉब्लम है। बादशाह का ये कहना है कि कोई भी एक ही बेल दबा ले तो नहीं तो डोड़ो देना पड़ेगा, उनके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रसन्न होकर के सब बातों को सुनकर के मन में विचार करता है कि इससे अच्छा मुझे बादशाह के पास में जाकर के जवाब दे देना चाहिए, लड़ाई लड़ने की मेरी एक आदमी की फुर्सत नहीं। जिस प्रकार से कलाकार ने कहा, खड़ा होकर के पैसा के पीछे भेजा हुआ मंत्री तैयार होकर के खनार का बादशाह दिल्ली में जाता है, दिल्ली में जाकर के गेट पर खड़ा होता है। बोलो, क्या बात हुई? बोलो, बात या से मोटियारा की बात ही घूम रही है क्या? बोलो, एक राजौरगढ़ का गांव है, राजस्थान के अंदर है, बाबा भर्तृहरि भी उस स्थान पर बैठ करके तपा हुआ था, उससे आगे हरिपुरा गांव और हरिपुरा गांव से राजौरगढ़ है, उस राजौरगढ़ के अंदर एक ऐसी बलवान लड़की है जो जाकर के भैंसा की बेल को दबाई है और भैंसा की बेल में दबाई जनो भैंसो ताकत कहीं की करे देख रन खड़ो हो। बादशाह कहता है कि तुम्हारा मान अपमान
जिसे सह करके तू दरबार में आया। बोलो महाराज वो तो बड़ी जोरदारों की दिखाई है, ऐसी बात समझ में नहीं आती है जब बादशाह आपके दरबार में बैठता है कि ऐसी बलवान लड़की की मुझे दरबार में जरूरत है, मैं उस लड़की को अवश्य दरबार में लेकर के आऊंगा। मेरे हाथ से चिट्ठी लिखता है, हाथ से बैठ करके चिट्ठी लिखना शुरू करता है कि ये चिट्ठी ये संदेश ले जाकर के राजौरगढ़ में उसके माता और पिताओं के पास में देना होगा। और चिट्ठी लिखता लिखता बादशाह मन ही मन में विचार करता हुआ और जो मंत्री की बात को सुनकर के चुनौती करता है किस प्रकार से कर रहा था।